नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की उन्नाव नगर पालिका के टैक्स कलेक्टर और चेयरमैन प्रतिनिधि ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार और धन उगाही का आरोप लगाया है। महिला अधिकारी किरण सोनकर ने नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा के पति व चेयरमैन प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा पर वसूली करने का आरोप लगाया है। महिला अधिकारी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वह रोते हुए आरोप लगा रही हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि ने महिला अधिकारी के लगाए गए आरोपों को हाई वोल्टेज ड्रामा बताया है। बताते चलें, टैक्स कलेक्टर किरण सोनकर ने आरोप लगाया कि चेयरमैन प्रतिनिधि ने आते ही कह दिया था कि हमें केवल वसूली चाहिए और 5 साल तक अधिक से अधिक वसूली करनी है। वहीं किरण ने उन पर सत्ता का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। नगर पालिका अधिकारी किरण सोनकर का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष कार्यालय कम आती हैं, वहीं ज्यादातर प्रवीण मिश्रा या उनके लड़के ही आते हैं और अपनी मनमानी चलाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिनिधि कहते हैं जो भी करना है हमसे पूछ कर करो। वायरल वीडियो के बाद चेयरमैन प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा ने कहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से महिला का कार्य पटल बदल दिया गया था, क्योंकि इनकी काफी शिकायत सभासद और पब्लिक की तरफ से मिल रही थी। शिकायत में कार्य न करना, धन उगाही करना समेत कई आरोप लगे थे। वही उनका कहना है कि जब से इनका कार्य पटल बदला गया है, तब से यह इस तरीके से कार्य कर रही हैं और हाई वोल्टेज ड्रामा रचकर वीडियो वायरल करवा रही हैं।